आस्था का पर्व छठ दुर्ग जिले में धूमधाम से मनाया गया। प्रदेश भर में उत्तर भारतीयों की आस्था को ध्यान में रखते हुए सरकार ने भी व्रतधारियों को भी छठ घाटों पर आने की उम्मीद दी गई। वहीं पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे और भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव ने प्रदेशवासियों को छठ और सभी उत्तर भारतीयों को छठ महापर्व की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि आस्था का पर्व है जो पूरे भारतवर्ष में बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया जाता है। आपको बता दें, लगभग 3 लाख से अधिक व्रतधारी छठ घाटों पर इकट्ठे होकर सूर्य को अर्घ्य देते हैं। इसके साथ व्रतधारी महिलाएं पूरे नियमों के साथ पूजा की तैयारी करती हैं। उगते सूर्य को अर्घ्य देने के लिए सुबह सुबह 4 बजे ही व्रतधारी महिलाएं और पुरुष छठ तालाबों पर नजर आए। पूर्व मंत्री और विधानसभा अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडे भी अपने परिवार सहित भिलाई सूर्य देव को अर्घ्य देने के लिए पहुंचे थे, जहां उन्होंने कहा कि सभी की आस्था का पर्व है जिसमें डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य भी देते हैं, लेकिन महिलाओं भी तालाब में कूद जाकर अपनी मनोकामनाएं मांगती हैं। छठ पर्व भिलाई में पिछले लगभग 6-7 दशकों से मनाया जाता है। जैसे जैसे सारे पर्वों में बढ़ोतरी हो रही है, वैसे छठ महापर्व भी पूरे धूमधाम से भिलाई के, पहले उत्तर भारतीय के लोग मनाते थे, अब सब लोग मनाते हैं। और भिलाई जैसा एक लघु भारतीय स्वरूप है, यहाँ सब तीज त्यौहार लोग मिलजुल के मनाते हैं।